यार देखो, आपकी बॉडी के ऊपर इतना बड़ा वो बैंच हो जाता है ना, ऐसे स्क्रैच व्रैच और लोड़ा लहसुन सब कुछ। तो तलोड़ी भाई क्या हुआ कि मेरे को ना फीवर आ गया, तो मैंने डोलो डोलो मेडिसिन ली और लेके और मैं सोने के लगा तो आपका फोन आया। तो मैंने, यार पनोड़ी भाई आपको तो पता है, मैं लाइक आई रियली लव यू सो मच यार, यू आर माई जान। तो आप मैं तो सो ही रहा था, तो मैंने लाइव ऑन करी ना पनोड़ी भाई, ये लचकी भी बैठी थी वहां पे और इसके साथ कोई और भी बैठा था, मुझे पता नहीं कौन था वो भाई। मैं सो गया, कैमरा और माइक ऑफ करके सो गया भाई। मुझे पता नहीं, एकदम से वो एयरबड लगा हुआ था कान के अंदर, एयरबड कान के अंदर लगा हुआ था भाई। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे आंखें खोली, देखा मेरे फोन को, मुझे ऐसे ड्रीम आया कि मेरा फोन जल गया, क्योंकि मैंने फोन हाथ में पकड़ा हुआ था, वो गर्म हो गया मादरचोद। तो मैंने, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं नींद में, मैंने लाइव चलती लाइव काट दी, मुझे पता ही नहीं लगा भाई। मुझे, मैंने सुबह याद आया, वो भैंड छोड़ पनोड़ी की तो लाइव चल रही थी भाई। आई एम हाँ सॉरी कल पनोड़ी हेलो भाई, कनोड़े भाई, आई एम क्या हो सॉरी रहा है? क्यूटी गर्ल, आई एम सॉरी मैडम जी। हाय, कल मैं भी आपके लाइफ में थी, अदिति थे और हाँ एक अचानक से पनोड़ी कट भाई, गए, लेकिन कल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, पनोड़ी बहुत फनी था। मैं भाई, तो कल इतना हंसी नहीं रुक रहा हाँ क्या था, बोल रहे भाई, बहुत मैं कह रहा हूँ, कंटिन्यू में हंसी मैं इतना, कह रहा हूँ भाई, मतलब अरे रुको आपका मैडम मैडम मैडम, लाइफ बहुत अच्छा था। पनोड़ी भाई मैं कह रहा हूँ अरे सुनो मुझे ना, पता ही नहीं लगा वो आप अरे बात कर रहे थे किसी से, और लाइव मुझे तो बिल्कुल भी पता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम गिल्टी फॉर दैट, मेरी गलती थी, मैं उसके लिए एक सॉरी मांगता हूँ आपसे, सॉरी अरे मैडम। पनोड़ी पनोड़ी भाई से, एक सेकंड पनोड़ी भाई, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया। ये तितली से अरे हाँ जी तितली बताओ, तुम्हें आदित्य बालियान अच्छा लगता है या नहीं लगता है? आदित्य तो अच्छा है, आदित्य मेरा बहुत पहले से मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, पहले आज एक से किसी जानती से हूँ, मैंने बात हम करी लोग पनोड़ी भैया, पहले हाँ से जानती सुनिए, तितली यार, इनबॉक्स कैसे हो नंबर आदित्य? आया, बच्चे लाइक मुझे किया प्यार तुझे। प्यार हो गया तुमसे, प्यार हो गया फिर पनोड़ी भाई से, फिक्स कराओ हाँ बात। भाई अगर सुन मेरी बात सुन बालियान, मेरी बात सुन बालियान, अगर तुझे सही में प्यार हुआ है ना भाई, ठीक हाँ जी भाई, है, तो मैं ये चाहता हूं कि तू अभी के अभी, भाई तू कहाँ से है पिछली? मैं कोलकाता। अरे कोलकाता तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोलकाता में तू कहाँ से है? मैं तो कितना बोला, कोलकाता सिटी सेंटर के पास रहती हूँ। तेरे से कोलकाता रेलवे स्टेशन कितना दूर है? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पूछो, एयरपोर्ट कहाँ पर है, मेरे घर से अरे ये कितना दूर है बालियान, आप? लेकिन ये बालियान ट्रेन में घूमने वाला बंदा है, इसीलिए मैंने तुझे ट्रेन का पूछा। अरे दूर, बहुत दूर है, मैं तो एयरपोर्ट के आसपास ही रहती हूँ। अरे वालन बेंचो, तो अपनी आईडी ऑन कर ले, कसम से कह रहा हूँ तुझे। ट्रेन रेलवे स्टेशन बहुत दूर है। हाँ अच्छा तो भाई मैं तुझे ये मैं अगर अगर तेरी जगह पे भी मैं होता ना बालियान, तो अभी के अभी मैं रातों रात हाथों हाथ कोलकाता की ट्रेन पकड़ के मैं निकल जाता। ट्रेन, आप तो फ्लाइट पकड़ के आओगे, ट्रेन क्यों बोल रहे हो? अरे मेरे लिए बोल रहे हैं, अरे मैं आदित्य बालियान के लिए बोल रहा हूँ, अगर उसको ज्यादा आग लगी है तो फिर वो फ्लाइट में आएगा, उसको कम आग लगी है तो वो ट्रेन में आएगा। भाई तेरी आग के कितनी लगी है तुझे वो बता। अरे नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार, मैं चाहता हूँ कि एक बार ही इनबॉक्स में आ जाए। यार तुम लोग सारे इनबॉक्स में क्या करोगे? इनबॉक्स से क्या होता है यार, तुम इंडिया में है, वो बंदी इंडिया में है, बीच में फासला है सिर्फ 2 घंटे फ्लाइट का, फ्लाइट पकड़ो और वहीं पे भी वहीं तुम इनबॉक्स में आ जाओ एक दूसरे के साथ। अरे यार बच्चे लोग आए भाई, सुनो, सुबह में मिला, मैं सुबह 11 बजे आया चंडीगढ़ में, पूरे 11 बजे। पहले मैं मिला सोनिया को, मैं और सुच्चा हम दोनों गए JWT मैरियट में सोनिया को, हमने वहां पे उसको बहुत अच्छे से मिले, दोनों को एक दूसरे को हग किया भाई। और उसके बाद सोनिया को मिलने के बाद भाई,
उसके बाद हमने खाना वाना खाया, पंजाबी ढाबे में खाना खाया भाई, मजा करा। उसके बाद स्विमिंग पूल पे गए, नहाए धोए। मैं आज की बात कर रहे हो तुम, आज सोनिया से मिले? हाँ, सोनिया और सोनिका दोनों को मिले भाई। तो सबसे सबसे खूबसूरत कौन लगी तुम्हें सूफी रियालिटी में? मैंने तो आंखें बंद कर ली भाई, कोई भी खूबसूरत नहीं है भाई। ये लचकी खूबसूरत, सबसे ज्यादा खूबसूरत ये लचकी है भाई। तो अच्छा सुनो, ठीक है। कहीं ये फिल्टर का कमाल तो मत है? ये जो जितने भी लोग आते हैं लाइव पे फिल्टर लगा लगा के, लेकिन जब रियलिटी में देखते हैं तो वॉमिट सी होने लगती है, ऐसा तो नहीं है ना सुभी भैया? अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छी लचकी है भाई। ये क्या है, ये अरे बॉम्ब इसकी बॉम्ब है, बात ये नहीं, बॉम्ब। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं दूसरे लोग जो लाइव पे आते हैं फिल्टर लगा लगा के, पता नहीं कौन कौन से फिल्टर अच्छे वाले फिल्टर वो लोग यूज करते हैं, तो जब रियलिटी में मिलते हैं लोग तो रियलिटी में देखने के बाद अरे बुड्ढे हैं वॉमिट। हम अगर क्यों बुड्ढे हैं मुरली भाई, आपको क्या बताऊं मैं, बताओ। अरे यार तितली सूफी तितली तो एकदम तितली, कल अरे तो 15 दिन मैं बहुत तो लाइव सुबह, में मुझे ऐसा लग रहा अभी था कि मैं तो, कुएं में कूद गया हूँ, बताओ। क्योंकि लोगों ने तो मुझे रियलिटी में भी देखा हुआ है ना, मैं अरे तो मैं फिर सुबह जब मैं होटल में गया ना वहां पे मिलने के लिए, तो मैं और सुच्चा दोनों थे, और हमें मैंने बोला सुच्चा भाई कैसा लगा, तो सुच्चे को लगा कि भाई, उसने कहा कि भाई बहनचोद, ऐसे लग रहा कि मैं कुएं में कूद गया हूं, बताओ। और उसने मुझे पूछा सूफी भाई तुझे कैसा लगा, मैंने बोला चलो भाई ऐसे लगा कि जैसे मैं नदी में तैर रहा हूं, अच्छा, बताओ। तो सूचा को वो दोनों समंदर जैसी लगी और तुझे नदी जैसी लगी। अब बालियान जाएगा तो बालियान बोलेगा कि कुएं जैसी लगी, और कोई जाएगा तो बोलेगा बाल्टी जैसी थी, और कोई जाएगा बोलेगा कि भाई ये तो बहुत ही टाइट है। अरे टाइट का टीवी नहीं था भाई, कसम से टाइट का टीवी नहीं था भाई। तो बालियान तुम्हें ये टिचली में सबसे अच्छा क्या लगा जो तुम्हें उससे प्यार हो गया? क्योंकि तितली मेरा फ्लाइट का टिकट कराएगी। अरे मनोड़ी भाई मैं तुम्हें दिखा, सुच्चा सुच्चा मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आया, सुनो। ये देख आदित्य वालियन, ये देख मैं तेरे को दिखाता हूँ भाई, ये बहन चोद भाई, देख भाई मैं इतना चूतिया इंसान हूँ भाई। पनोड़ी भाई तूने मेरे मेरे से बड़ा चूतिया जिंदगी में नहीं देखा होगा भाई। मुझे कभी भी देख कहाँ पहुंच, मैं मुझे जाना था पंजाब में, देख मैं कहाँ पहुंच गया, यमुनानगर में। रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ भाई, ये देख भाई मादर चोद, ये देख रोड़ी भाई, देख चैंडाल देख रहा है। यमुनानगर जाओ या पंजाब जाओ या अमृतसर जाओ, नहीं 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 भाई, ये होते हैं दारू पीने के बाद गलत रास्ते। चलो जब तक मैं थोड़ी देर अपना फोन चार्ज करता हूँ, मुझे क्या बहन चुप, मेरा कहीं भी बुक करेगा। अरे फ्लाइट की टिकट तो साइड में रखी, लेकिन उसका तुझे क्या पसंद है, मैं पर्टिकुलर टिचली की बात कर रहा हूँ भाई। ये तितली जब लाइव पे आती है ना तो पता नहीं भाई मेरी अंग्रेजी तंग है, इसको क्लिक वेज बोलते हैं, कलाई वेज बोलते हैं। ये जो अभी दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, देखो ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तो बेसिकली तितली जब लाइव पे आती है तो तुम्हें नीचे कुछ कुछ होने लगता है। तितली तुम्हें क्या होता है बालियान को देख के? मैं तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। अरे लेकिन तेरी जवानी निकल जाएगी उसके बाद तू सोचेगी। नहीं जवानी नहीं निकलेगी इतनी जल्दी, बहुत टाइम है। तितली तितली बहनचोद ऐसे कर रहा है तो सारे तेरे सामने इतनी क्यूट लड़की बैठी है भाई, कसम से तू ऐसे हंस रहा है जैसे इसका मजाक उड़ा रहा है। नहीं नहीं भाई वो पहले ऐसे नहीं था, अभी शैतान हो गया पहले। अच्छा अभी था। अभी हुआ क्या? तुमने टपा टप अभी किया क्या डीएम में?
मेरी फ्रेंड है यार, लेकिन सच में आधी ऐसा नहीं है, वो आधी गलत, ये ऐसा शैतानी दिखा रहे हैं अभी लाइफ में, जो सच बातें सब बता रहे हो, लेकिन नहीं तुम नहीं दिल में कभी गंदा बात कभी नहीं किया, कभी नहीं करते, कभी भी नहीं, झूठ नहीं बोलना मेरे को, अरे नहीं मैं तो तुम्हें कभी यार कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है लाइफ में थोड़ा फन कॉमेडी रोमांस होना चाहिए, लेकिन वो डीएम में कभी भी गलत नहीं बोला आज तक। मैंने पता क्यों नहीं बोला, मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि स्क्रीनशॉट आते हैं फिर बार डीएम में कुछ दिखाओ तो स्क्रीनशॉट बार आते हैं। तूने एक बात सच्ची बताया यार, तूने आदित्य के साथ दिया मैं ऐसे लाइक समथिंग क्या क्या बोल रहे क्या हो? क्या दिया मैं, तुमने टपा टप दिया क्या? ये क्या होता है? मैं टपा ओ माय गॉड, आदित्य का सेंस है यार। नहीं, ये लड़की अच्छी है। टपा मतलब? नहीं, आप मेरे पापा की बहू बनोगे? अरे हाँ इसने ये पूछा तुम्हें पिछली सूफी ने के डीएम में टपा टप किया मतलब के तुम दोनों ने डीएम में कुछ ऐसी हरकतें की है रोमांस वाली जिसमें तुम। अरे अब नहीं, शुभ शुभ बोले हैं यार, ऐसा क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी, जिंदगी में कभी नहीं किसी के साथ ऐसा कोई बात ही नहीं, मैं ठीक से तो बात तक नहीं करती हूँ कभी भी, आप कुछ भी बोल रहे हो। नहीं अरे हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं, हमारा काम है नहीं पूछना। अगर आए सामने मैं चेक भी करवा दूंगी, ये सब नहीं, ये सब मत बोलो प्लीज, अरे वो मजाक कर रहे हैं, तुम भी तो थोड़ी लाइफ कर सीरियस लो, रहते इतना हो। सारे लोग बेटे, मैं ठीक से बात तक नहीं करती हूँ लोगों से, और ये तो सवाल ही नहीं होते है सब। मुझे लोग बोल रही हो? तुमने मुझे अपना लोग बोला? यार गाइस एवरीवन, आप लोग प्लीज सीरियसली मत लो, सुनो ये सुनो सुनो लाइफ सुनो 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 चल सुनो 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 रहा तुमने सबके सामने बोला लोग, मैं अगर तुम्हारा लोग हूँ तो खसम, खसम को बोलते हैं हस्बैंड। ओके ओके, हाँ भाई मैं इनका लोग हूँ, इनका खसम हूँ, इनका हस्बैंड हूँ। थैंक यू। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला अरे लोग माने भाई, होता है इतनी बड़ी कसम। बात बोल दी था तुमको यार। भाई एक बात अरे तो बोलो दीदी, भाई, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ सूफी भैया, आज मैं ऐसे ही बात करूंगा अपने होठों को चिपका के। तो तुम मुझे ये बताओ टीचली कि तुमने पूरी जिंदगी में, तुम्हारी एज मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम्हारी एज होगी 25 या 26, एम आई राइट? लड़कियों का एज नहीं पूछा जाता, जितना भी हो, 20 हो 21 या 22 हो, चलो ठीक है, ये चलो ठीक है। थर्टी तो तुम अप टू 18 ईयर्स तो हो, तो यू आर अप टू 18 ईयर्स राइट? 18 ईयर्स हो गया मेरा, 18 साल की हो गई, मैं हाँ। तो 20 साल तुम्हें की कभी, हो गई। ओके, तो तुमने कभी जिंदगी में जिसे बोलते हैं कि टिंचू टिंचू टाई टाई, वो तुमने कभी किया है या नहीं किया है? अब जिसको समझ में आ गया, टिंचू टाई टाई समझ में आ गया। अब तुम्हें समझ में आया टिंचू टिंचू टाई टाई तो किसे बोलते हैं वो टिचली? तुमने जैसे पुरानी पिक्चरें देखी है जिसमें जब हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस करते हैं, फिर दो फ्लावर का सीन आ जाए, वो दो फ्लावर ऐसे 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 एक दूसरे को किस करते हैं, वो देखा है तुमने पुरानी पिक्चर में? अभी नया पिक्चर में भी ज्यादा होता है। हाँ, तो तुमने ऐसा किया है कभी किसी लिए अपनी लाइफ में? अरे टिचली तो शर्मा गई, टिचली शर्मा मत, ये सिर्फ हम पूछ रहे हैं। अरे बताओ टिचली, यहाँ पे व्यूअर जानना चाहते हैं क्या हुआ। नो आंसर, तो हम ये मान लेते हैं कि तुम अभी तक वर्जिन हो क्या? हम ये मान के चले कि टिचली एक वर्जिन लचकी है? नो आंसर, नो रिप्लाई। अच्छा, तो तुम कहीं फीमेल तो मत हो? क्या अरे लेकिन टीचरी तुमने सारे आंसर नो आंसर नो आंसर तो बोला, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मे बी यू आर फीमेल, क्योंकि जमाना बहुत आगे निकल चुका है, आजकल लड़का को लड़की बनने का शौक है और लड़कियों को लड़के बनने का शौक है। ये लोग ये सब तो छक्का होता है, वो लोग करता है जेंडर चेंज, इंसान अरे क्यों करेगा अरे ऐसे, मैंने फीमेल क्यों करेगा? अरे मैंने भी करवाया था 2 साल पहले। नहीं, क्यों आप छक्का थे पहले, आप छक्का थे?
नहीं मैंने एक्सपीरियंस के लिए करवाई थी सारी चीजें, लेकिन मेनू इतना फीलिंग नहीं आती थी। मर जाओगे, कैंसर होके मर जाता है आपको। अच्छा अच्छा, तो ये आदित्य बालियान जो है, सुनो ये आदित्य बालियान जो है अच्छा लड़का है। फीमेल होते हैं, फीमेल से मेल इन फ्यूचर हम लोग को कैंसर होता है। अरे ज्यादा डॉक्टर मत बनो टिचली, यहाँ पे मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ, सुनो टिचली मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आदित्य बालियान नाम का बंदा है वो अच्छा लड़का है, वो आपकी हमेशा केयर करेगा, आपको अच्छे से रखेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें। तो क्या तुम्हें आदित्य बालियान का प्रपोजल कबूल है? अब आंसर तो दे दो। क्या हुआ? पता नहीं। अरे यार तुम तो हर एक बात में पता नहीं बोल रही हो, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी यार? आदित्य अभी दूर है, मैं भी दूर, हम लोग बहुत दूर। अरे दूर नहीं भाई, दूर तो मैं हूँ, दूर तो मैं हूँ किसी से, पिछले 6 महीने से दूर तो मैं हूँ किसी से। तुम मुझे पूछो दूर क्या होता है, तुम तो इंडिया में बैठे हो यार तुम दोनों। हाँ ये बात तो सही है। अब इंडिया में कौन सी दूरी होती है यार, मैं नहीं मानते इंडिया में कोई दूरी होती है भाई। चलो टिकट मैं करवाता हूँ बालियान तेरी कोलकाता की, एंड एवरीथिंग स्पॉन्सर बाय मी, तेरा होटल में रुकना, सारी चीजें मेरी तरफ से, मैं तुझे पैसे भेज दूंगा रातों रात हाथों हाथ। इसलिए क्या तुम आदित्य बालियान से मिलोगी? हाँ आने बोलो, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, एज अ फ्रेंड भाई। देख ये तुझे एज अ फ्रेंड मिलेगी, उसके बाद का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो, क्योंकि लड़कियां तो ऐसे ही बोलती है ना कि एज ए फ्रेंड मिलूंगी। तो इसलिए तुम एज ए फ्रेंड मिलोगी ना बालियान से? हाँ फ्रेंड है, जरूर मिलेंगे, एज ए फ्रेंड क्यों नहीं मिलेंगे भाई। अब तेरे पे है बालियान के फ्रेंड से तुझे लुगाई कैसे बनाना, वो टैलेंट होना चाहिए तुझ में, जिसे बोलते रोड टैलेंट बोलते हैं जिसे। तो जैसे कि हमारी ये जो टिचली है इसे हम मिले सोशल मीडिया पे, अब टिचली को कैसे फंसाना उसे एक टैलेंट बोलते हैं, जो मेरे में कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है वो टैलेंट। बहुत सारे लोगों को टिचली मैंने फंसा के रखा हुआ है मेरी जाल में। आ रहे हो बोल आपसे मिलने। हाँ, आ हाँ। भाई मैं तो सही बोल रहा हूँ, अगर तेरी जगह पे मैं होता ना, इसकी ब्रा का कलर देख के मैं तो अभी के अभी टिकट बुक करवा देता। सही में नहीं टिचली, तुम मैं टिचली देख मैं मानता हूँ, मैं तो यार बहुत ही सात्विक पुरुष हूँ, यू नो सात्विक पुरुष किसे बोलते हैं, समझ में आता है? हाँ तो मैं तो बहुत ही ऐसे सात्विक पुरुष हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही औरत का बन के रहता हूँ, तो मैं तो किसी का हो नहीं सकता। लेकिन मैं बालियान की जगह पे होता तो भाई मैं तो निकल लेता अभी के अभी। इतनी खूबसूरत लड़की अगर बोल रही है कि मैं मिल लूंगी, तो फिर यार वेट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। और मेरे पास तो दो ऑप्शन है कि अगर टिकली ने कुछ नहीं करने दिया तो कोलकाता में तो बहुत बड़ा मार्ची। सोना कांची नाम है ना टिकली उस मार्केट का। ऐसे ही मतलब क्या पता नहीं जो भी हो। हाँ तो वहाँ पे तो और टिकली मिलेगी, कोई प्रॉब्लम मत है उधर। टिकली एक ही है ठीक है। अरे मतलब क्या वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मिलेगी यार, तुम कहने का मतलब समझो। हाँ ये बात सही है, लेकिन तितली तो तितली है। तितली मुझे प्रपोज कर दे अभी कांवड़े भाई के सामने, कर दे, बोल दे आई लव यू। भाई अगर टिचली ने आई लव यू बोला ना तुझे आदित्य, मैं तुझे कसम देता हूँ कि मैं भैया ना
अभी के अभी तुझे मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा, तेरा पूरा स्पॉन्सर। और तीसरी सुन, उसके अलावा तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का शॉपिंग एक्स्ट्रा। क्योंकि मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई दो प्यार करने वाले अगर मेरी वजह से मिलते हैं तो मैं समझूंगा कि यार मैंने कुछ जिंदगी में अच्छा काम कर दिया। तो भाई मिलेगा 1 लाख रुपए का शॉपिंग तुझे और बालियान को मेरी तरफ से। चल अब तू बालियान को आई लव यू बोल दे। तितली बोल दे। मैं तितली मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, देख तू शॉपिंग करूंगी इसके बाद लव भी बोलूंगी। अरे यार तितली मैं मजाक नहीं करता, नीचे एक भाई नीचे कमेंट में लिखो कि आज तक मैंने जो पैसों के लिए बात बोली है ठीक है उस पे मैं हमेशा मेरे वर्ड्स पे रहता हूँ, देख ले नीचे कमेंट्स देख ले भाई, अब सब लोग लिखेंगे देख ले। तितली आई लव यू बोल, तितली बोल, तितली बोल, मौका है बोल, तितली बोल दे, तितली बोल। मुझे सोचना है, टाइम लगेगा मुझे सोचना। तितली बोल, तितली बोल, तितली बोल, तितली बोल दे बोल। भाई तितली ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। तितली बोल, बोल दे तितली। उनका टाइम लेंगे। अबे बाद में पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिल रहे हैं शॉपिंग के, बोल तितली बोल। पैसे बाद में डबल मिलेगा ना, 1 लाख का बदले मिलेगा 4 लाख। घंटा दे लेना फिर। चलो तितली अब तुम आदित्य बालियान को बोलो कि आई लव यू ऐसा बोलो, देन योर मैं यहाँ से आपका बजट पास 1 लाख शॉपिंग का। तितली बोल, तितली बोल, मुझे सोचने का टाइम लगेगा भाई। चलो ऑफर में बढ़ाता हूँ, तुम्हारा हनीमून में कराऊंगा अपना दुबई में, ऑफर बढ़ा दी मैंने। सुच्चा के फ्लैट में तुम दोनों का हनीमून, ऑफर बढ़ा दी मैंने। वैसे भी मैं दुबई आ सकती हूँ। अरे तुम जा सकती हो, आ सकती हो, लेकिन पैसे तो मेनू लगाने ना है तितली। हाँ तो तुम्हारी टिकट्स मैं बुक करवा दूंगा, और फ्लैट तो हमारा सुच्चा का है ही उधर, तो फ्लैट की तो कुछ प्रॉब्लम मत है। तितली, तितली आई लव यू बोल दे, बोल दे आई लव यू तितली बोल, 1 लाख रुपए आएंगे बोल। मैं 2 लाख लव यू बोल दो। हम बोल, तितली बोल, मैं तेरे टोपी भाई। They cut the food and they throw up the big thing in it. Oh, you gotta check it out. I gotta take it out. फोन शराबी आ गया छोटी भाई की दुकान पे इसकी माँ का बोल रहा। तितली बोल, तितली मौका है बोल। तितली बोल दे yes बोल दे तितली बोल दे। ऐसी ऑफर कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में। ये बेखाची लोग मिलेंगे तेरे को, मजदूर लोग, मैं तुझे सही कह रहा हूँ। बोल, तितली बोल, तितली बोल। I have this maybe bounty, buddy. If you want bounty. बोल तितली, जोड़ी भी अच्छी है, बढ़िया हो जाएगा। Yes, बोल दे तितली, बोल दे। तितली बोल, तितली मत सोच, बोल तितली। टिचली सुन मेरी बात, मैंने ये जो बात की है ना, मैंने ऐसे ही नहीं बोली ये बात, मैं सच बोल रहा हूँ।
पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि भाई मैं जो बात बोलता हूँ ना उसको उसके ऊपर रहता हूँ मैं। 1 लाख रुपया कैश शॉपिंग के लिए, अगर तुम दोनों दुबई जाना चाहते हो तो दुबई की टिकट एंड वो सारा खर्चा मेरा। सूचा अपना 5-6 दिन नीचे रास्ते पे सो जाएगा, इतना कोई मलाल मत है सूचा को। तितली बोल सूफी भाई, इसके तितली देने के पास कर दे तितली, यस बोल दे, यस बोल दे तितली बोल, तितली बोल। सोचेंगे इस बारे में उसके बाद सोचेंगे। अरे छोड़ तितली, ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अरे तितली बोल दे, मैं तुझे सच बताता हूँ, तेरा नाम सिर्फ तितली है लेकिन अभी तूने हवा में उड़ना सीखा नहीं है। ये बंदा तुझे हवा में उड़ना सिखा देगा, क्योंकि एक प्रोसेस अभी भी तेरी लाइफ में बाकी है जिसे पंख आते हैं, वो पंख अभी तक तुझे आए नहीं है। सही बात है, वो प्रोसेस के बाद तुझे पंख आ जाएंगे और तू हवा में उड़ने लगेगी। मैं सच बोल रहा हूँ तितली, मैं तो ऐसे ही उड़ती रहती हूँ। अरे वो हाथ जोड़ रहा हूँ तितली बोल। सोपी भाई हाँ भैया बोलो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तितली यस बोल, आगे निकल जा जिंदगी में, ऐसा मौका नहीं मिलता भाई। वो मल्टी जनरेटेड बंदा है, वायरल बंदा है, वो इंस्टाग्राम पे बहन जो इतनी रीच किसी की नहीं है। समझ रहे मेरी बात भाई? पता कितने पैसे मिलते हैं इंस्टाग्रामर्स को, तुझे सोच ही ना होगी भाई। जब मेरे जैसे कुत्ते को 2-3 लाख रुपए महीने का मिलता तो आदित्य पालयान को सोच कितने पैसे मिलते होंगे। तितली बोल, अरे ऐसा मत बोलो आप, बहुत अच्छे। नहीं, 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 नहीं। अरे अच्छा अच्छा छोड़, अरे अच्छे से घर नहीं चूल्हा नहीं चलता, अच्छे से पैसे से चूल्हा चलते हैं। तुझे पता आदित्य बालियान के कितने फ्लैट्स हैं? अभी कहाँ पे घूम रहा हूँ, मंसूरी में घूम रहे हैं। देखो वो इसलिए शर्मा रहे, उसका फ्लैट होगा तो क्या, उसका ले लूंगी क्या, उसका फ्लैट उसके पास ही रहेगा। अरे सुनो सुनो, उसके साथ तुम शादी करोगी ना, टपाटप करोगी तो वो फ्लैट भी तुम्हारा ही है, समझ लो बिना अरे भाई सुनो, उसके बाप दादा की कमाई सब तुम्हारी है तितली, सिर्फ तुम उसे प्यार करो। सुबह सुबह जब आदित्य बालियान उठे ना, जो अपनी खाट पे बैठे उसका गुड़गुड़ाए, तुम उसके लिए 7-8 बड़े बड़े परौंठे उसके ऊपर मक्खन डाल के और चाय का लोटा लेके उसके पास। अरे छोड़ो बहन, जो नौकर रख लेंगे उसके लिए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अरे माँ के उसके लिए डिश वॉशर लग जाएगा, वॉशिंग मशीन लग जाएगी। प्यार करो बस उसको, उसको प्यार करो, सुबह दोपहर शाम को प्यार करो तितली। ये एक बच्चा बन जाएगा तुम्हारे लिए, आदित्य बलियान तुम्हारे लिए एक बच्चा बन जाएगा, तुम उसको प्यार करो। आदित्य तो अच्छा है बहुत, तो यार पहले भी बोल, क्यों सोच रही है यार, दोनों बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, हिट हो जाएगी तितली बोल दे। 1 करोड़ का कॉफी दो, तीनों का आई लव यू बोल देगी। हाय क्यों नहीं बोल रहे क्या, नीचे से कमेंट आ रहे। अरे बोल दे बोल दे, देख सुचा भाई भी बोल रहे, सुचा भाई भी बोल रहे। सुचा आ गया लाइव पे, बहन जो मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, भोसड़ी वाला लाइव पे ले रहा हूँ, लाइव पे नहीं आ रहा। अरे टिचली तुम बोल दो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जिंदगी में। तुम एक ऐसे बंदे के सामने एलएबी बोलने के लिए जा रही हो, एक मैं मेरे सामने अगर तुमने प्रपोज किया तो ये एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम समझ रही हो बात को भाई? ये कमेंट पिन करना मेरा। चलो मैं तुम्हारी मैरिज में, मैं तुम्हारे दोनों के सादा में मैं दीदी को भी बुलाऊंगा,
दीदी भी आएंगी तुम्हारे साथ। आप आईडी नहीं कर सकता, ड्राइव कर रहा हूँ मैं, कमेंट नहीं देख रहा मैं। अरे दीदी मतलब तू कौन सी दीदी, अरे तू दीदी मतलब कौन सी दीदी समझ रहा है आदित्य पालिया? दीपक भाई, अरे दीपक ने, मैं ममता दीदी की बात कर रही हूँ, पंजाब की, अपना जो कोलकाता की जो सीएम है उसकी। ममता दीदी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं उनको भी तुम्हारी शादी में लेके आऊंगा। बताओ पिछली, अब उससे तो ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। बोल दे इतली, आ जा, आ जा, कल आ जा, बातें भूल दे। एक नीचे लिखता है कि ये खुद बोलता है पेटीएम करो। अरे बहन चोद को पता पनोड़ी भाई, महीने में 2-2.5 लाख रुपए के तो पेटीएम आते हैं आदित्य बालियान को, 2-2.5 लाख रुपए के भाई, समझो। अच्छी बात है, पिछली पिछली हो जाओ शुरू, सच बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तुम एक अच्छा मौका तुम गवा रही हो। अभी मेरे बस में नहीं है क्योंकि 3% उसमें, 4% उसमें। अरे यार तुम कहाँ 3% और 2% में रुके हुए हो, यहाँ पे लव स्टोरी चल रही है और वो बंदा 3% में रुका हुआ है। यार सूफी भाई बोल नहीं रही यार, तितली बोल यार, कमेंट में सब बोल रहे, बोल दो। कल तो कल लाइफ इतना मस्त थी, मैं तो कल कंटिन्यू, आदित्य भी नीचे बैठा था देख रहा था बैठ बैठ के, मैं तो कंटिन्यू हंस रही थी, मेरा हंसी नहीं रुक रहा था कल, इतना हंसी अचानक से लाइट बंद हो गया, मैं तो हाई कितना मिस किया। अबे आई लव यू बोल, आई लव यू बोल तितली, आई लव यू बोल। तू जोर से पहले मेरे को प्रपोज कर, जैसे सबको सुनाई दे और मुझे भी सुना दे, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा तेरा आवाज से ठीक से, पहले तू तो जोर से। दैट्स ब्यूटीफुल आदित्य, बोल अब बैंचोस, टट्टो का जोर लगा पहले, मैं बादर चोद बोल उसको, बोल आई लव यू तितली, बोल उसके कानों में से खून निकल जाए, बोल भाई बाजियान बोल दे। तू हमेशा बोलता है तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, एंड भाई देख मैं इस बात को लेके बहुत ही सीरियस हूँ, ठीक है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर तूने तितली को प्रपोज किया, तितली ने तेरा प्रपोज एक्सेप्ट किया, तो भाई मैं सबसे खुश मैं हूंगा, मैं मानूंगा कि भाई मेरा मेरा जीवन सफल हो गया। तुम दोनों के सादा के बाद भाई मैं ना मैं चला जाऊंगा कश्मीर से, मैं संन्यास ले लूंगा अपने जीवन से। अरे पनौड़ी भाई लोग कहते हैं मैं गंगा नहाने चला जाऊंगा, यार कसम से यार तुम कश्मीर चला जाऊंगा, बंदे नहीं हो आप झूठे। अरे मैं सन्यासी बन चुका हूँ, जब से मैंने किसी को खो दिया है ना टिचली, तब से मैं सन्यासी बन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्यार करने वाले दुनिया में सब मिल जाए टिचली, कोई किसी को छोड़ के ना जाए। तो बालियान तू प्रपोज करो, तितली मैं प्रपोज करता हूँ, तितली आई लव यू। सुनाई ही नहीं दे, आप लोगों को सुनाई दिया गाइस, नीचे से कमेंट कीजिए, टपकट कीजिए जल्दी से, नीचे से कमेंट कीजिए, आप लोगों को सुनाई दिया आदित्य जो मुझे प्रपोज कर रहे, मुझे मुझे सुनाई नहीं दे रहे, आप लोगों को क्या सुनाई देगा? तितली तितली आई लव यू, और नीचे से बोल ले कोई झूठ बोल ले, आदित्य का गर्लफ्रेंड है, झूठा है उसका गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, बंदे की गर्लफ्रेंड नहीं है टिचली, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी की बात मत सुन तू भाई, मैं एक बहुत सीरियस हूँ, मैं रो दूंगा यार तुम्हारे लव स्टोरी पे, मुझे कहीं रोना आ जाए, मेरी आंख में से देख आंसू आने की तैयारियां हो चुकी है, अब तू भी कर दे प्रपोज। आंसू आंसू आ रहे या फिर पानी डाल के रखे हो या फिर लेंस वाटर डाले हो? नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ ही हुआ था 8 महीने पहले यार, तो मैं चाहता हूँ कि वही स्टोरी यहाँ पे फिर से दोहराई जाए। मुझे बोले मुझे पुनः सुनाई दिया, जोर से बोलना पड़ेगा, मुझे सुनाई नहीं दिया, आप लोगों को सुनाई दिया गाइस, वो जो मुझे प्रपोज किया आदि, सुनाई दिया आप लोगों को? मुझे भी तितली आई लव यू, वाओ
के बोलने से क्या होगा, जोर से बोलने का, एकदम जोर से ऐसा चिल्ला के बोल सकता मैं किसी और, जैसे कहते हैं ना गुद्दी पकड़ के गुद्दी मारूंगा, ऐसे बोल नहीं है, प्रोपोज करते हैं, आवाज नहीं है, देख मैं कैसे चिल्ला के बात करते, ऐसा आवाज जोरों से बोलना पड़ेगा। अरे यार मैं तो सब बात कर रही है, अरे मैं अब फैन तेरे को मिली आदित्य बाल्यान, आदित्य बाल्यान अब तेरे को मिला नहले पे दहला भोसड़ी वाले, तू कैसे कहता सबको मादर चोर, गुद्दी पकड़ के गुद्दी, अब ये देख तेरी गुद्दी पकड़ के तेरी गांड मार रही भोसड़ी वाले, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बोल आई लव यू, ऐसे बोल फैन चोर, बोल तितली आई। देखा देखा उसका दम हमें जिगरा वाला लड़का चाहिए, जिगरा वाला हमारे जैसा होना चाहिए। अरे मैं दूसरे के घर में यार, मुझे निकाल देंगे घर से, आवाज में दम नहीं है तो इतना हॉट, ओह माय गॉड मुझे कैसे संभालेगा, मुझे संभालना सीखिए। ओए होए 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 भाई, मैं बालियान मैं ये चाहता हूँ कि तू कमरे से उठ के बाहर जा, और तू बाहर जाके चिल्ला के इसको प्रपोज कर, भाई ऐसी लड़की तुझे नहीं मिलेगी, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, देख इसकी कितनी खूबसूरत है ये, जरा पीछे जाओ कैमरे से, अरे कैमरे से थोड़ा पीछे जाओ, अभी भी थोड़ा जाओ, अरे पीछे जाओ मतलब थोड़ा खड़ा होके दिखाओ, तुम्हारा पूरा जो जो तुम्हारा हाइट है वो सब दिखाओ, उसको पता लगना चाहिए कितनी खूबसूरत है ये तितली, देखो भाई देख ले भाई, वाह देख ले, ऐसी लड़की मिलेगी नहीं भाई तुझे, तितली लेकिन यार मैं तितली मैं यार जोर से नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बाहर गेट बंद हो गया बाहर का, और मैं जिसके यहाँ पे हूँ ना भाई दिक्कत हो जाएगी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तितली आई लव यू। देखो देखो भाई आप लोग को देखो, एवरीवन सुनो उसका बात, लड़की ऐसे बोलती है आई लव, उसका आवाज से मतलब गले से आवाज ही नहीं निकल रहा है, तो वो क्या संभालेगा मुझ जैसा हॉट और सेक्सी लड़की को बोल। मेरे सामने आऊंगी ना वो भाग जाएगा, संभाल नहीं पाएगा मुझे, संभाल कहाँ से पाएगा, तुम्हारा वेट ही इतना है। इतना वेट है फिर भी तो कितना क्यूट हूँ मैं, स्वीट हूँ। अरे नहीं नहीं तू बहुत क्यूट है, लेकिन तेरा एक जगह पे वेट बहुत ज्यादा है ना, नेचुरल है, नेचुरल मेरा सब कुछ नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं, मेरा बाल भी नेचुरल है आर्टिफिशियल नहीं, मेरा आईलैश भी नहीं लगाती हूँ, सब नेचुरल है। लेकिन एक बात बताऊँ तितली, अगर तुम सुनोगे मतलब तितली तुम्हारी दो चीज में बड़ी कर दूंगा, पता है आई गिव वन न्यू फ्लेवर इज फॉर नेटफ्लिक्स। नहीं तितली जब मेरी लाइफ, तितली जब मेरी लाइफ में आएगी ना, मैं इनकी दो चीजें बड़ी कर दूंगा, बताओ क्या क्या, क्या बताओ क्या बड़ा कर दूंगा जब तुम मुझे मिलोगे, ऐसे नहीं बोलती बड़ा कर देता हूँ भाई, ऐसे बोलते भाई किसी से मुझे लग रहा है, आदि कितना डर डर के बात कर रहे, देखो एवरीवन बहुत डर रहे हैं आदि किसी से कुछ तो। अरे भाई मैडम जी मैं किसी रिश्तेदारी में आया हूँ, मेरा सामान उठा के फेंक देंगे रात को, भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा रात को। ब्यूटीफुल है बेडशीट, यार बालियान तुझे कितनी अच्छी लड़की मिलती है, मिल रही है, जिस जो वर्जिन है, जिसका अभी आज तक किसी लड़के के साथ तुम्हारा टिटली कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा, मेरा बॉयफ्रेंड था बहुत पहले, मैं बोला मेरे लाइफ में ब्रेकअप हो गया। अभी तो तुमने ये बोला कि तुम वर्जिन हो, अभी तुम बोल रही हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आपने पूछा तितली तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड था, तो मैंने ये सच बोला हाँ मेरा था, मैंने दूसरा कुछ नहीं बोला,
आपने बोला अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, मैंने बोला हाँ बहुत पहले बॉयफ्रेंड था, बहुत पहले मेरा ब्रेकअप हो गया, बहुत साल हो गए मेरा ब्रेकअप का। आपकी गुल्लक बंद है? मैंने तो सोचा था कि टिचली तुम वर्जिन हो भाई, 50,000 का शॉपिंग होगा। सुनो सुनो सुनो, ये बात नहीं हुआ, आपने मुझे कुछ पूछा ठीक है, उसका आंसर दिया, ये सब बात नहीं भाई। चलो ठीक है ओके, तो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, उसके साथ तुम्हारा कुछ हुआ था? ये लाइफ में क्यों बताए? अरे यार सबका होता है, यार सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में सब होता है, उसमें लाइफ ऐसा कुछ नहीं है, जो बॉयफ्रेंड होने से जो होगा ठीक है, अगर डिस्टेंस रहेगा तो कैसे होगा? अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दूर रहेगा जी, अगर दोनों के बीच बहुत फास्ट है डिस्टेंस होगा। लेकिन 2 साल में तो फिर से वो जगह पे यू नो टाइट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये तो नेचुरल होती है ना सारी चीजें। ये सब मैं नहीं हूँ, मैं हट जाती हूँ। नहीं नहीं भाई देखो, ये तो एक साइंटिफिक साइंस है इसमें, कि अगर वो जगह पे 2 साल तक अगर तुम कुछ करते नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वो सारी जगह टाइट हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर तुमने 2 साल में फिंगर का यूज किया होगा तो टाइट नहीं होगी। टिचली तुम क्यों शर्मा रही हो यार, ये तो नेचुरल बात है यार। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, कि यार ये सारी बातें नेचुरल होती है, दैट इज द नेचुरल, एक प्रकृति है ये, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ टिचली मैं। क्योंकि आज भी पूरी भाई देखो टिचली, एक अपना ये बोलते हैं, हाँ गूगल के अनुसार आज भी पूरी दुनिया में 65 to 68% लड़की ऐसी है जो खुद से ही सेटिस्फाइड रहती है, पता है आपको? वो प्लास्टिक का बनाना है तुम्हारे पास? तितली तुम्हारे पास प्लास्टिक का बनाना है? मैं तो फोन वीडियो तक नहीं देखती हूँ। हाँ नहीं देखती हूँ, मेरी लाइफ देख रही हूँ। तुमने कभी फोन एक बार ही देखा था, वो भी थोड़ा सा 5 मिनट, मैं नहीं देखती हूँ। अच्छा तो 5 मिनट में तुम्हें, तो 5 मिनट में तुम्हें कैसी फीलिंग आई जब तुमने देखी तो तुम्हें कैसा, अच्छा लगा या गंदा लगा? मुझे अच्छा नहीं, मैं बंद कर दिया। अच्छा एक बात, तुमने मेरी लाइव देखी कभी? हाँ मेरी लाइव देखी कभी? मेरी लाइव लाइव देखी मेरी कभी लाइव? मेरी लाइफ पे फोन ही तो चलता है, उसको ही तो फोन वीडियो कहते हैं। क्या टिचली अब मैं तुझे क्या बोलूँ यार, अब तू बातें ही ऐसी कर रही है कि 5 मिनट के लिए देखा उसके बाद तुमने कुछ किया नहीं है यार, अब मैं क्या बोलूँ यार। अब तुम तो यार, अब तो मुझे या तो तुम बहुत ही दूध की धुली हुई है टिचली, या तो फिर तुमने बहुत सारे कांड करके रखे हुए है। 2 बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या तो तूने बहुत कांड किए है या तो फिर तू बहुत। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई कांड नहीं किया, कोई कांड नहीं किया, एकदम सच बात है, कोई कांड नहीं किया। लेकिन यार मैं ये मान, यार मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यार यू आर ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड तुमने आज तक कुछ किया नहीं है। मैं यार मैं लाइफ में पर्सनल बात क्यों बताऊं? लेकिन जिस तरह से तुम्हारी फिगर है, जिस तरह से तुम्हारी जो साइज है, उससे देख के मुझे डाउट होता है टिचली कि तुमने बहुत सारे हथियार तुमने यूज किए हुए हैं, नहीं किए हैं? नो तो टिचली ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है, तुमने कुछ अंदर प्लास्टिक तो नहीं डलवाया ना आजकल के जमाने में? वो जो लोग मम्मे में कुछ ना कुछ डलवाते रहते हैं टाइट लगे, इसीलिए तो तुमने।
ऐसा नहीं, पागल हो कुछ भी बोल रहे हो। अरे भाई लोग डलवाते हैं आजकल के जमाने में सिलिकॉन, यू नो गर्ल्स यूज सिलिकॉन फॉर द बूब्स, के मम्मी एकदम टाइट लगे, आपको पता है वो मुझे बात? पता नहीं, मुझे मैंने सुना सर्जरी करवाते हैं, लेकिन ये क्या पता नहीं। अरे भाई आज तो नया फैशन चला है ना, ये होट भी बड़े करवा दी लड़कियां। मैं कुछ सर्जरी, मेरा सब नेचुरल है, मेरा तो होट ये नेचुरल है। तितली तितली कभी तुमने दबवाया? मैं आईलैशेस भी नहीं, मेरे बाल नेचुरल है, मेरा नोज नेचुरल है, सब कुछ। सुन कभी कभी दबवाया? मैं कुछ सर्जरी नहीं करवाई। तितली सुन, कभी तूने दबवाया है? ओह माय गॉड।